हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ से लास्ट 15 इयर्स के अंदर जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केवल वही डिस्कस करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर। इससे पहले हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं क्लास 11th और 12th वाले इसी सेम फॉर्मेट के अंदर, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। तो इसी के साथ ये सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इसके अलावा एनसीईआरटी वन शॉट की सीरीज़ भी कंप्लीट करवा चुके हैं, जहाँ पर हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है वो बायोलॉजी की डिस्कस की हुई है। इसके अलावा बायोलॉजी के पीवाईक्यू वगैरह भी हमने करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो नोट्स वगैरह हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी सभी। और आपको बता दूँ कि ये नोट्स जो वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, और इस नोट्स के अंदर जहां पर भी नीट में क्वेश्चन आए हुएंगे वो टॉपिक अलग से रेड कलर के अंदर हाइलाइटेड करके ईयर मेंशन होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहां पर हम सबसे पहले जब एनवायरमेंटल इशू की बात करते हैं तो यहां पे पोल्यूशन का काम तो आना ही आना है। यहां पर देखिए पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सोइल। यानी कोई भी अगर अनडिजायरेबल चेंज आ जाए किसी में भी, फिजिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल करेक्टर वगैरह हो, वो एयर लैंड वाटर के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। नाउ व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? तो एजेंट्स दैट ब्रिंग आउट सच अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। यानी जो ऐसे एजेंट्स जो इस टाइप का अनडिजायरेबल चेंज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन एजेंट्स को पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब इस टाइप के जो एक्ट वगैरह होते हैं ना, इस चैप्टर में इस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब अप्लाई किया था? 1986 में। ये ईयर ही पूछे जाते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ, कब कुछ हुआ। तो यहाँ पर ये क्यों लॉन्च हुआ? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सोइल। जो है अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एक्ट वगैरह बना देती है, पर वो कितना अप्लाई होता है वो जो है वो पब्लिक पर भी डिपेंड करता है कि कितना उसको अप्लाई करते हैं। तो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, फिर वाटर के बारे में, फिर उसके बाद में नॉइस पोल्यूशन वगैरह के बारे में। इस टाइप के अलग अलग पोल्यूशन के बारे में मेनली इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। अब जो एयर पोल्यूशन होता है वो जनरली आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर दो टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट से आपको दिखाई दे रहा होगा, दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार AIPMT 1999 में और एक बार नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। एयर पोल्यूटेंट इमिडिएटली डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हो गया, जो डायरेक्टली इमिट होते हैं और किसी एक सोर्स से और वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो व्हाट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? एयर पोल्यूटेंट फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। यानी ये जो पोल्यूटेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर बनते हैं किसके रिजल्ट से? एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट। यानी ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है इनके बीच में फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन होता है, तब जाकर क्या बनता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, और बिटवीन द पोल्यूटेंट ऑफ अदर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। इस एग्जाम्पल क्या है, यहीं से आया हुआ है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका ओजोन हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, पेन हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब कुछ क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर अभी जो मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो किसके थ्रू बनती है? वो बनती है थर्मल पावर प्लांट के थ्रू बनती है। अब यहाँ पर देखिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है तो वहाँ पर आपको पता है कि जो कोयला होता है, जो कोल होता है, उसको बर्न किया जाता है, और वहाँ पर जब बर्न करेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत सारे हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। तो वो कम से कम वहाँ पर हार्मफुल गैसेज रिलीज हो उसके लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए There are several ways of removing particulate matter. The most widely used of these is the electrostatic precipitator. तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो इस टाइप के यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा जो है वो साफ एयर जाए, ज़्यादा जो गंदगी वगैरह है वो बाहर एटमोसफेयर में ना जाए। Which can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. यानी जो thermal power plant से जो exhaust निकल रहा है उसमें से 99% जो particulate matter है उसको कौन रिमूव कर देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitator जो है वो रिमूव कर देता है, ये आपको याद रखना है। अब ये किस टाइप से होता है? इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। यानी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पर मेंटेन किया जाता है, विच प्रोड्यूस ए कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन।
अब ये कोरोना क्या होता है, कोरोना आपका वो वायरस वाले की बात नहीं करें, कोरोना का सिंपल अगर मतलब होता है तो इस टाइप का एक सर्कल में जो लाइट बनती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो आपकी जहाँ से निकल रहा है एग्जॉस्ट वो भी तो पूरा सर्कल में होता है, तो इस टाइप से एक लाइट से बन जाती है और यहाँ पर जब निकलते हुए उसको पास आउट होते हुए क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल गिविंग देम टू ए नेट नेगेटिव चार्ज, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इस टाइप से। ये इलेक्ट्रोटिक प्रेसिपिटेटर है, ये क्लीन एयर निकल रही है, ये डर्टी आ गई, ये आपके डिस्चार्ज कोरोना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वायर है और ये डस्ट पार्टिकल इनके साथ में अटैच हो जाते हैं। एक और दिया हुआ है वो है स्क्रबर, जो थर्मल पावर प्लांट में एक तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, एक यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रबर। अब स्क्रबर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे 2014 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 8 में, 13 में, 20 में आ चुका, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अब बात करते हैं स्क्रबर के बारे में, स्क्रबर क्या कर सकता है, कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो स्क्रबर होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस को भी रिमूव कर सकता है। अब इसमें होता क्या है, इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, यहाँ पर या तो लाइम या फिर वाटर की स्प्रे होती है और उसके ऊपर अंदर से जो वो एग्जॉस्ट निकाला जाता है ताकि मेनली जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर के साथ में जो है अटैच होकर नीचे आ जाते हैं। बट ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है और स्क्रबर है, रिसेंटली वी हैव रियलाइज दैट द डेंजर ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी जिनका मेन डेंजर है पर्टिकुलेट मैटर का वो तो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर, चाहे वो स्क्रबर हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो, इनके द्वारा वो जो बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि CPCB है, उन्होंने क्या बोला, द पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर, यानी जिसका पिकोमीटर जो पर्टिकुलेट साइज है वो 2.5 माइक्रोमीटर है डायमीटर के अंदर, वो क्या होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, और वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को जो है वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं। दीज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल डीप इन टू द लंग्स एंड कैन कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम, अब ये जो है वो एयर के साथ में लंग्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम वगैरह करते हैं, इसके अलावा इरीटेशन, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ वगैरह भी हो सकती है। इसी टाइप से आपको पता है कि ऑटोमोबाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपका पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह बर्न होता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं हैविंग एक्सपेंसिव मेटल जिसके अंदर पैलेटिनियम, पैलेडियम या फिर रोडियम जो है वो होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट, आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, और वो पॉइजनस गैस जो होती है उसको वह क्या करते हैं कि वहाँ पर अदर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइप के जो प्लेटिनम पैलेडियम या फिर रोडियम मेटल वगैरह के जो है वो आपके एग्जॉस्ट के अंदर कैटल लगाए जाते हैं, मेटल लगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और एक्ट आया है, अभी तो हमने पढ़ा था किसके बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, अब इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक और एक्ट आया है, वो है एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1987 के अंदर, यहाँ पर इसको जो है कम इनटू द फोर्स 1981, यानी 1981 के अंदर तो आया था बट इसको अमेंडमेंट किया गया था 1987 में, और इसके अंदर जो नॉइस पोल्यूशन है उसको भी एयर पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो एयर पोल्यूशन है, जो नॉइस पोल्यूशन है उसको एयर पोल्यूशन में कब इंक्लूड किया गया, तो वो 1987 में किया गया, और एयर प्रिवेंटेशन एक्ट कब आया, वो 1981 में आया, यहाँ से दो बार क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। इसके अलावा देखिए एयर पोल्यूशन भी जो होता है वो काफ़ी हार्म करता है, सॉरी जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो काफ़ी हार्म करता है। एक एग्जांपल है ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल, अब जैसे ये साउंड लेवल जो होता है वो आपको पता है कि उसको डेसिबल यूनिट में बोलते हैं, तो यहाँ पे 150 dB का मतलब है डेसिबल, और मोर जनरेटेड बाय टेकिंग ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट में डैमेज ईयर ड्रम्स दस परमानेंटली इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, यानी इससे ज़्यादा अगर 150 dB से ज़्यादा अगर साउंड होगी तो परमानेंटली जो है वो क्या हो सकता है, वहाँ पे इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी हो सकती है। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू ए रिलेटिवली लोअर नॉइस लेवल ऑफ सिटीज में परमानेंटली डैमेज हियर एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब हम बात करेंगे एक स्टडी के बारे में, केस स्टडी ऑफ दिल्ली के बारे में। अब यहाँ पे बोला गया कि जो 1990s में दिल्ली जो थी वो फोर्थ एमोंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड थी, यानी जो टोटल 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी उसमें फोर्थ रैंक था, आज इसका सेकेंड रैंक आ चुका है, बहुत अच्छी बात नहीं है ये हमारे लिए, तो यहाँ पे पहले इसका रैंक क्या था, फोर्थ था, और सब कुछ ये करने के बाद यहाँ पर इसका सेकेंड रैंक, अगर ये सब कुछ भी नहीं करते तो वहाँ पर आप ये मान लीजिए कि दिल्ली में रहना जो वो इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता।
अब दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन जो वो काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पे PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जितनी भी बसेज जो है उनको CNG पे जो है वो चेंज किया जाए। आफ्टर बीइंग सेंसर्ड बाय द वेरी स्ट्रॉन्गली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डायरेक्टिव द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन ए स्पेशल टाइम पीरियड अप्रोप्रिएट मेजर इंक्लूड स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज फ्रॉम डीजल टू CNG। ऑल द बसेज ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG बाय द एंड ऑफ 2002 के एंड में सभी बसेज CNG पर चल गई और अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो है वो भी दिल्ली में चल रही है। यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर जो CNG होती है वो डीजल वगैरह से बेटर क्यों होती है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है द आंसर इज दैट CNG बर्न मोर एफिशिएंटली। सबसे पहला रीजन तो ये है कि CNG ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न करती है अनलाइक पेट्रोल और डीजल। सेकेंड है इन द ऑटोमोबाइल एंड वेरी लिटिल ऑफ इट्स अनबर्न, CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। इसके अलावा जो CNG है वो ज़्यादा चीप है पेट्रोल और डीजल से, सस्ती है। कैन नॉट बी सीफोन ऑफ बाय द थीव्स, इसके अलावा जो थीव्स है उसको चोरी नहीं कर सकते। एडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, इसके अंदर मिक्सिंग नहीं हो सकती है कुछ भी, जैसे पेट्रोल डीजल में कुछ पानी मिक्स कर दिया कुछ और कर दिया, तो इस टाइप से यहाँ पर CNG में मिक्सिंग भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए CNG बेटर है देन द पेट्रोल एंड डीजल। इसके अलावा AIPMT 2009 में ऐसे क्वेश्चन आए Euro 3 नॉर्म्स। अब देखिए यूरोप यानी जो यूरोप के अंदर अलग अलग नॉर्म्स आते हैं उसी को देखते हुए इंडिया में भी आते हैं, जैसे भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5 तो स्किप करके अब क्या चल रहा है भारत स्टेज 6 चल रहा है, जिसको हम जो व्हीकल लेते हैं तो उसमें लिखा होता है ना ये BS6 है, तो ये वो एक नॉर्म्स होते हैं कि ये इतना ही पोल्यूशन वगैरह, इतना इंजन इसका रिफाइनमेंट होना चाहिए, वो सब कुछ है, तो इसी टाइप से यूरो के अंदर नॉर्म्स चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, स्टिपुलेटेड दैट सल्फर कैन बी कंट्रोल्ड एट 350 PPM, यानी जो सल्फर है उसको 350 PPM पे कंट्रोल करना चाहिए डीजल में और 150 PPM जो वो पेट्रोल के अंदर सल्फर की अमाउंट होनी चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 42% से कम होने चाहिए। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर 50 PPM इन पेट्रोल, यानी जो 150 उसको 50 में लाना है और डीजल के अंदर ही ब्रिंग डाउन द लेवल टू द 30%, और जो डीजल है उसके अंदर इसको 35% में लाना है, तो इस टाइप से इन्होंने बोला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए बी एस स्टेज के बारे में बोला गया कि जो भारत स्टेज होती है भारत स्टेज 2 इज इक्विवेलेंट टू Euro 2 नॉर्म्स। अब यहाँ पर ये जो BS4 के बारे में बात की गई है, पर अब आपको पता है कि यहाँ पर BS6 जो है वो लागू हो चुका है, अब यहाँ पर जो व्हीकल्स आते हैं वो BS6 के अंदर आते हैं। एक और एक्ट याद कर लेना, अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे एक्ट आता है वाटर प्रिवेंटेशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब आया था 1974 में आया था। अब डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के बारे में बात करते हैं, अब यहाँ पर आपने कई एड वगैरह देखी होगी जहाँ पे बोला है कि 99.9% कीटाणुओं को मारे, अब 0.1% जो कीटाणु रह जाते हैं वो कितना हानिकारक हो सकते हैं आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए ए मेरे 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर द ह्यूमन बी, यानी केवल 0.1% अगर इम्प्योरिटी है डोमेस्टिक सीवेज में तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर में 99.9% वाटर है और केवल 0.1% इम्प्योरिटी है, जिसके अंदर आपका सैंड सिल्ट क्ले आ जाता है, कोलोइडल मटेरियल जैसे फीकल मैटर बैक्टीरिया क्लॉथ एंड पेपर आ जाता है, डिजोल मटेरियल एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट एमोनिया फॉस्फोरस सोडियम आ जाता है, तो ये सब आने के बाद में ह्यूमन के कोई भी काम का नहीं रहता है वो वाटर। अब हमने ये जो BOD वगैरह है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर है वहाँ पर पढ़ा था, यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम करने के टाइम पे जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या कहलाती है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है, इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग BOD, यानी जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसकी BOD उतनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसको जब कंज्यूम करेंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। उस चैप्टर में हमने ये भी बताया था कि BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसकी BOD उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होते हैं हमने वो वहाँ पे पढ़ा था, बट यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए बार बहुत ज़्यादा है, देखिए 1 में 9 में 10 में 12 में 15 में 16 में, तो ये सारा पढ़ेंगे अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही मान लो सीवेज डिस्चार्ज किया गया है, कोई एक यहाँ पर वाटर है जो कि फ्लो कर रहा है इस टाइप से, अभी इसमें क्या है ये डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पर इतना था, मतलब ऑक्सीजन उसमें बहुत ज़्यादा थी और BOD उसकी बहुत कम थी, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ही कम थी, बट जैसे यहाँ पर सीवेज को डिस्चार्ज किया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, फिश जो है वो मर चुकी है, डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा, पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया और एकदम से उसका BOD जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा आ गया तो उसकी BOD जो है वो ज़्यादा हो गई। अगर BOD ज़्यादा हो गई मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होने लग गई, तो ऑक्सीजन का उसका अमाउंट जो है वो काफ़ी कम हो गया और धीरे धीरे जैसे आगे वाटर जाएगा तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन वापस से ज्यादा हो जाएगी और BOD उसका वापस से स्लो हो जाएगा। ये आपको डायग्राम समझ में आ चुका होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी आए हैं। देखिए
So some of the change in that one may notice following discharge of sewage into water. Microorganisms involved in biodegradation of the organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen. And as a result, there is a sharp decline in the dissolving oxygen. ये आपको समझ में आ गया होगा. Downstream from the point of sewage discharge, this cause mortality of fish and other aquatic creatures. यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे एक दम आता है तो वहाँ पे फिश वगैरह किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो डिजोल्ड ऑक्सीजन था आपने देखा एकदम से क्या हो गया, बहुत कम हो गया, यानी जो वहाँ पे फिशेज वगैरह थे उसके लिए ऑक्सीजन बची नहीं, तो वहाँ पर वो जो फिशेज वगैरह उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं. इसी टाइप से एल्गल ब्लूम वगैरह बनता है. यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंकटोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी. उसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, विच इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी. ये वाटर बॉडी को अलग ही कलर प्रोवाइड करता है. अब यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था. यहाँ पर आपको पता है कि हमने इस बारे में जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है इसके बारे में टेरर ऑफ बंगाल वाले में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पढ़ा था, और वो चीज़ यहाँ पर वापस आती है. यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मॉवे कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन वेरी अपीलिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट इन द वाटर बॉडीज. दीज प्लांट विच वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स. यहाँ पे केवल इसीलिए लाए गए क्योंकि उनका फ्लावर अच्छा लग रहा था किसी को. विच कॉज्ड हॉवेक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक इन द वाटर बॉडीज. और ये क्या करते हैं, जो वाटरवेज होता है उसके अंदर ये ब्लॉकेज कर देते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ये ग्रो होते हैं. दे ग्रो फास्टर देन एबिलिटी टू रिमूव देम. यानी हमारी जो एबिलिटी उसको हम वाटर में से निकालेंगे उससे पहले ये ग्रो हो जाएंगे. These plant are water hyacinth. ये plant कौन से है, water hyacinth है. एक बोला गया Eucornea crassipes, the world most problematic aquatic weed. ये सबसे ज़्यादा problem देने वाला aquatic weed है, इसलिए इसको terror of Bengal भी बोलते हैं. They grow abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamic of the water body. और ये water body के जो ecosystem होता है इसको भी काफ़ी ज़्यादा imbalance करते हैं. अब हम बात करेंगे बायो मैग्नीफिकेशन वगैरह के बारे में. अब यहाँ पर आपको उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम हैवी मेटल बोलते हैं. अब यहाँ पे बोला गया देखिए, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. यानी जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है जनरली वहाँ पर क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं. जैसे हैवी मेटल हो गया, हैवी मेटल क्या होते हैं जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है. जैसे आपका मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड वगैरह हो गया, और इस टाइप के मेटल जो होते हैं वो हैवी मेटल होते हैं. और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो इंडस्ट्री से निकलते हैं ये क्या कर सकते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा देखिए, ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, दैट इज बायो मैग्नीफिकेशन इन द एक्वेटिक वीड. यानी इंडस्ट्रियल से निकलने वाले कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बायो मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज बायो मैग्नीफिकेशन, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पे लिखा है, बायो मैग्नीफिकेशन रेफर टू द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट ए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जहाँ पर पिरामिड वगैरह देखे थे वहाँ पर हमने जो ट्रॉफिक लेवल की बात की थी, ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा था कि जो प्रोड्यूसर थे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर थे वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, इस टाइप से. तो यहाँ पर हर एक ट्रॉफिक लेवल पर अगर कोई जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे वो आगे से आगे जाता जाएगा और उसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. दिस फिनोमेना इज़ वेल नोन फॉर मरकरी एंड DDT. तो ये जो फिनोमेना है ये मरकरी या फिर DDT में शो होता है. अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे DDT जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं. कितनी बार आए हुए हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बार आए हैं. 2016 में आया हुआ है, 9 में आया हुआ, 12 में आया हुआ, 7 में आया, 11 में आया, 16 में आया, 18 में आया हुआ है. तो अब हम एक एक करके अच्छे से इसको देख लेते हैं. इन दिस मैनर द कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज एज सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पे बोला गया कि जो आपका बायो मैग्नीफिकेशन का एग्जाम्पल दिया है, मरकरी और DDT शो कर सकते हैं. यहाँ पे बोला गया कि जो ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट होता है वहाँ पर मान लेते हैं कि जो DDT है उसकी कंसंट्रेशन है 0.003, दैट इज द पार्ट्स पर बिलियन इन वाटर. इट कैन अल्टीमेटली रीच अप टू 25 पार्ट्स पर बिलियन, यानी 25 पार्ट्स पर मिलियन में पहुंच जाता है. जो बिलियन में थी वो मिलियन में पहुंच गया, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम्स बढ़ चुकी है, थाउजेंड्स टाइम उसकी जो कंसंट्रेशन वो बढ़ चुकी है. इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू द बायो मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा पहुंच जाती है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबोलिज्म, और उसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पर अगर DDT ज़्यादा चला जाएगा उनकी बॉडी में तो जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वो उनका गड़बड़ हो जाएगा. विच कॉज थिनिंग ऑफ द एग्स एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली कॉज द डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन. उस टाइप से उसकी बर्ड पॉपुलेशन जो वो कम हो जाएगी. एक और चीज दिया गया है यूट्रोफिकेशन, अच्छे से देख लेना यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है. यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए नेक, ये अलग था, वो DDT वाला अलग चीज़ थी, ये यूट्रोफिकेशन अलग है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. ओके,
अभी तक हमने बायोमैग्निफिकेशन देखा था, ये यूट्रोफिकेशन की बात करें। यूट्रोफिकेशन होता है नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, यानी कोई वाटर है उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ चुके हैं तो उसकी नेचुरल जो है वो एज हो जाएगी और वो जल्दी से वहाँ पे लेक खत्म हो जाएगी। इन ए यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर, जो यंग लेक होती है उसमें वाटर जो होता है कोल्ड एंड क्लियर होता है और जो लिटिल लाइफ होती है उसको सपोर्ट भी करता है। विद द टाइम स्ट्रीम ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं विच इंक्रेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होने लगती है। बट धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे क्योंकि हम डोमेस्टिक सीवेज वगैरह जब इसके अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए द हाउएवर द पॉल्यूटेंट फ्रॉम मेन्स एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज होम्स कैन रेडिली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, वहाँ पर वो एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डाल दिए उस लेक के अंदर एक बार में। दिस फिनोमेना क्या कहलाता है, कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन ये कहलाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, अब यहाँ से डायग्राम वगैरह नहीं आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वास्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कोई क्वेश्चन आया हो सॉलिड वेस्ट से हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज़ द सैनिटरी लैंडफिल। अब आपको पता है अगर सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो होता है वो सिटी से बाहर निकलता है जिसको म्यूनिसिपल वेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके होम से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह से अलग अलग टाइप का वेस्ट निकलता है। जैसे आपका क्या निकलता है, जनरली कॉम्प्रोमाइज पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल वगैरह। अब ये जो वेस्ट होता है इसको सिटी के बाहर डंप किया जाता है और वो कहलाती है सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडेप्टेड टू एज द सब्सिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स, यानी जो ओपन में बर्न करते हैं उसके जो सब्सिट्यूट किया गया है वहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल्स बनाई जाती है। अब सैनिटरी लैंडफिल्स में होता क्या है, इन ए सैनिटरी लैंडफिल द वेस्ट आर डंप्ड इन ए डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्टेशन एंड कन्वर्टेड विद द डर्ट एवरी डे, और इसको डर्ट से कवर कर दिया जाता है और वहाँ पे इसको डाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सैनिटरी लैंडफिल्स। अब यहाँ पर जो आपको पता है जो वेस्ट होता है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है जिसको जमीन में दबाएंगे तो वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, एक को हम रिसाइकल कर सकते हैं और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही वेस्ट देता है, क्लियर है। और यहाँ पे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसके अंदर आपका पॉलिस्ट्रीन और प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह में आपके क्या होते हैं, जो ई वेस्ट होते हैं, जैसे आपके जो आपके डिवाइसेस हो गए किसी भी टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं वो ई वेस्ट को जनरेट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इनमें भी अलग अलग टाइप के मेटल वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, यानी जो प्लास्टिक वेस्ट होता है इससे कैसे निजात पा सकते हैं, मतलब इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट है इसका क्या यूज़ करके कुछ और बना बनो के इससे हम छुटकारा पाएँ, तो इसको रेमेडी उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक जो है अहमद खान थे 57 ईयर ओल्ड में, उन्होंने क्या बनाया कि यहाँ पर 20 ईयर्स की प्रैक्टिस करके इन्होंने एक कॉलेज के साथ में मिलकर कुछ अलग चीज़ बनाई जिसको बोलते हैं पॉली ब्लेंड ए फाइन पाउडर। पॉली ब्लेंड ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, यानी जो प्लास्टिक था वो रिसाइकल्ड उससे पॉली ब्लेंड बनाया, वाज डेवलप्ड देन बाय हिज कंपनी। दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द बिटुमिन, और ये जो पॉली ब्लेंड था इसको बिटुमिन के साथ में मिक्स किया गया और फिर उससे रोड्स बनाई गई। अब यहाँ पर देखिए उससे हुआ क्या, इन कोलेबरेशन विद द आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, अहमद खान प्रूव दैट द बैंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमिन, यानी इनके जो दोनों मिला लिए पॉलीब्लेंड और बिटुमिन, व्हेन यूज्ड टू ले रोड्स, अब जब इनसे रोड्स बनाई गई, इनहेंस द बिटुमिन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी एंड हेल्प टू इंक्रीज द रोड लाइफ बाय ए फैक्टर ऑफ 3, यानी जो पहले जो रोड लाइफ थी वो 3 गुना बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, इससे एक तो जो है प्लास्टिक कम हो गया और इससे जो वो रोड्स वगैरह भी बनने लग गए। नेक्स्ट एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट की बात करें तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं जिससे रेडियो एक्टिव जो होता है वो निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह निकलता है, रेडिएशन निकलती है, और जो रेडिएशन जहाँ से निकलती है वो काफ़ी खतरनाक जो होता है वो वेस्ट हो सकता है, जैसे आपका न्यूक्लियर वेस्ट। अभी आपको भी पता है कि न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट भी बनने लगे हैं, तो इसी टाइप से। अब हम बात करते हैं, देखिए द फर्स्ट इज़ एक्सीडेंटल लीकेज, यहाँ पर इस टाइप का एक्सीडेंट लीकेज हो जाता है जहाँ से आपका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, वो बाहर निकल जाता है और वहाँ पे कई एरिया के अंदर जो होता है वो अफेक्ट डालता है। इस टाइप के कई वेस्ट हो चुके हैं, देखिए द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज एज अकर्ड इन द 3 माइल आइसलैंड एयर कैनोबिल इंसिडेंट एंड द सेकेंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव। तो सबसे पहले बार क्या हुआ कि जो 3 माइल आइसलैंड है और कैनोबिल है वहाँ पर इस टाइप का लीकेज हो गया था एक्सीडेंटली, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था।
इसके अलावा ये वाला जो हमने पोर्शन दिया है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, प्रॉपर पुरानी एनसीईआरटी में ये पोर्शन था, जैसे 99 में, 96 में, 99 में, 2004 में, 11 में क्वेश्चन आया था, तो 4-5 टाइम्स आ गया था और ये कई बार होता भी है। तो यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो ट्रेजिडी थी उसके बारे में लिखा गया, क्या कुछ रिलीज हुआ था, तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। इन द नाइट ऑफ 2 and 3 December, यानी जो 2 दिसंबर गया था और 3 दिसंबर की मॉर्निंग के बीच वाली जो नाइट थी 1984 में, वहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, टुक प्लेस बिकॉज द मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्ट विद द मॉटर, क्योंकि वहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर गई थी एंड थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग जो थे वहाँ पर मर गए थे। और आपको बता दूँ जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी वो कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो इतना सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है तो अभी इसको क्या, किस टाइप से इसको जो है वो दफनाया जाता है, मतलब किस टाइप से इसे निजात पाई जाती है, तो इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट द स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको कहाँ से स्टोर करते हैं, आफ्टर सफिशियंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन द सुटेबली सील्डेड कंटेनर बरिड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 meters डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। तो इसको लगभग 0.5 किलोमीटर अंदर जो है वो डीप अर्थ सर्फेस के अंदर इनको दबा दिया जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको। यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब आपको पता है कि जो रेडिएशन आती है वो अर्थ पे ऊपर आती है। अब जैसे यहाँ पे 3 rays दिखाई है कि 3 rays आ गई और केवल 2 rays बाहर गई है, कुछ एक रेज होती है वो अंदर रह जाती है, यानी उसको जो है वो वेव जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस, यानी जिसकी वजह से जो अर्थ सर्फेस होता है वो हीट रहता है। अब आप कहोगे तो इतना हीट रहता है तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, क्या फ़ायदा है? देखिए, जनरली इतना ज़्यादा हीट पहले नहीं रहता था, बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने ज़्यादा एयर पोल्यूशन और सब कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा होने लग गया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट होने लग गई। देखिए यहाँ पे लिखा है यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट द विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो तो जो एवरेज टेम्परेचर आज अर्थ के ऊपर है वो -18 degrees Celsius चला जाएगा, यानी इतना चिल हो जाएगा ओवरऑल अर्थ, इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी रेदर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 degrees। अभी जो एवरेज है वो 15 degrees है, अगर अब हम यहाँ से 1 degree भी बढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान होने वाला है अर्थ को। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखिए द अर्थ सर्फेस री इमिट हीट, यानी ये जो इन्फ्रारेड के फॉर्म में जो अर्थ पे हीट आती है उसको वापस से जो है री इमिट कर देती है, बाहर निकाल देती है, बट ए पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप, यहाँ पे कुछ एक पार्ट होता है जो बाहर नहीं जाता है, एज एटमोस्फेरिक गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, वो कुछ एक जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आपको भी पता है कि CO2 वगैरह जो मीथेन वगैरह होती है, खासकर CO2 हम कितनी ज़्यादा एटमोसफेयर में रिलीज कर रहे हैं, तो वो अगर एब्जॉर्ब करेगी तो हीट हमारी ओवरऑल अर्थ के ऊपर इंक्रीज ही होगी। अब ये कौन कौन सी गैसेज है आपको दिखाई दे रहा होगा, 1991 में, 1989 में, 96 में, 2008 में, 10 में, 11 में, 19 में क्वेश्चन आया, और डायग्राम भी यहाँ पर बताया गया है, जो वो कौन सी गैसेज है जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। द अबव मेंशन गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन कॉमनली नोन एज द ग्रीन हाउस गैस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है उनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और कौन सी होगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 60% होती है, मीथेन आपकी 20% होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी 14% होती है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो 6%, N2O जो वो 6% होती है, ये आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम इस बायो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिस मेजर इंक्लूड कटिंग डाउन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, यानी जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करें उसको कम से कम यूज़ करें, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, रिडक्शन डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज, स्लोविंग डाउन द अर्थ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करें, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, डिफॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट है उनको कम से कम कट करें, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तब जाकर कंट्रोल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा 11 में, 14 में, 18 में, 19 में, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 16th of September को होता है, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था तो हमने अभी मेंशन कर दिया है। यू हैव अर्लियर स्टडी इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th अबाउट द बेड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमोस्फेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। आपको याद रखना है कि जो बेड ओजोन होती है वो लोअर एटमोस्फेयर में बनती है, दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर, दैट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो ओजोन होती है वो 2 types की होती है, बेड ओजोन और गुड ओजोन। जो बेड ओजोन होती है वो लोअर के अंदर बनती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, और वो प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करती है।
सेकंड आपकी गुड ओजोन होती है, दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट, ये आपकी अपर पार्ट में मिलती है कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर, और उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलती है एंड एक्ट एज द शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, और ये जो यूवी रेडिएशन आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेज आर हाईली इंजीरियस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रीफरेंशली एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद इन दिस मॉलिक्यूल, यानी जो डीएनए और प्रोटीन के अंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं यूवी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और अगर हाई एनर्जी रही इनके अंदर तो इनके अंदर जो बॉन्ड्स है वो ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। द थिकनेस ऑफ दिस ओजोन इज ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, जो ये ओजोन होती है इसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट के अंदर, यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका डिग्रेड करती है ओजोन को, उसमें कुछ है केमिकल होते हैं, उसमें से एक आपका केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बिन, जो कि पहले रेफ्रिजरेंट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर होता क्या, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया तो क्लोरो मतलब यहाँ से क्लोरीन होगा, तो इन स्ट्रेटोस्फीयर यूवी एक्ट ऑन द रिलीजिंग क्लोरीन एटम, तो वो क्या रिलीज करेगा क्लोरीन एटम को रिलीज करेगा। अब जो क्लोरीन होता है डीग्रेड ओजोन रिलीजिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन, यानी ओजोन क्या होता है O3 होता है, तो ये जो क्लोरीन होता है O3 को ब्रेक डाउन कर देता है O एंड O2 में। और आपको खास बात बता दूं यहाँ पे क्लोरीन जो भाई कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और आपको पता है अगर कैटलिस्ट है तो रिएक्शन फास्ट होगी और वो यूज़ भी नहीं होगा, मतलब जितने ज़्यादा क्लोरीन जाएंगे वो उतने ज़्यादा उस टाइप के ब्रेक डाउन करने लगेंगे। विद इन दीज एटम एक्टिंग मरली एज ए कैटलिस्ट, और ये केवल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, क्लोरीन यहाँ पे यूज़ भी नहीं होता कंज्यूम भी नहीं होता है, तो ये क्या बना लेता है आपका एक कंटिन्यू साइकिल बना लेता है जिसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ पर ये चेन रिएक्शन बना लेता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और इसकी वजह से यहाँ पर होल हो जाता है जिसको बोलते हैं ओजोन होल। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, यानी जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है यूवी बी रेडिएशन से आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमोसफेयर, और वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे अर्थ एटमोसफेयर में, गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। बट यूवी बी जो है जो अल्ट्रावायलेट बी है वो डीएनए और प्रोटीन को डैमेज करती है, हमने पढ़ा था डैमेज डीएनए म्यूटेशन में आकर इट कॉज एजिंग ऑफ द स्किन डैमेज टू स्किन एंड सेल वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर, जो है वो यूवी बी रेडिएशन करवा सकती है। इन ह्यूमन आई जो कॉर्निया है वो भी आपका यूवी बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर हाई डोज हो गया यूवी बी रेडिएशन का तो यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो जाएगा, जिससे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या फिर कैटरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2015 में 16 में 18 में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, 4-5 टाइम यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपकी चीज़ें हैं ओजोन डिप्लीशन वगैरह, तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है क्या है कुछ एक जो है पूरे वर्ल्ड ने मिलकर कुछ एक चीज़ें उठाई है और इसको बोला गया कि इस टाइप की चीज़ें कम से कम रिलीज हो ताकि हम ओजोन लेयर को बचा पाएं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे, रिसेंट ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 5, 6, 9 में भी आए हुए हैं। रिकॉग्नाइज द डिटीरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इंटरनेशनल का मतलब पूरे सभी अलग अलग देशों ने मिलकर जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था, कहाँ पर मॉन्ट्रियल के अंदर यानी कनाडा के अंदर, कब 1987 के अंदर, बट वो अफेक्ट कब आया 1989 में, 2 साल लगे उसको अफेक्टिव होने में। टू कंट्रोल द इम्यूजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस को कंट्रोल करना है जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। सब्सिक्वेंटली मेनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल हैव लेड डाउन द डेफिनेट रोड मैप सेपरेटली फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर डिप्लीशन, जो ओजोन डिप्लीशन केमिकल है उनको कम से कम रिलीज किया जाए, उसके लिए उन्होंने सब रोड मैप बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पर एक है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, यहाँ से 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इरीगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड टू द वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, अगर विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह के अगर हम डायरेक्टली इरीगेशन करेंगे तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग जो है वो सॉइल में हो जाएगा। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप वाटर लॉगिंग ड्रॉ सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, और अगर बहुत ज़्यादा वाटर रुक गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा सॉल्ट आ जाएगा। द सॉल्ट देन इज डिपॉजिट एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस टू स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, और फिर वहाँ पर जो सॉइल है वो काम की नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पर भी एक एक्ट आया है उसको याद कर लेना, यहाँ पे बोला गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो 1988 में आई थी, एंड यहाँ पे क्या बोला गया था हैज रिकमेंड 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर द प्लेन्स एंड 67% ऑफ द हिल्स जो है वो कवर होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो प्लेन जो हिली एरियाज है वहाँ पे 67% के अंदर आपका फॉरेस्ट होना चाहिए, और जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे 33% के अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए, बट आपको पता है डीफॉरेस्टेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो
तो इसी से रिलेटेड एक कल्टीवेशन है जिसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। स्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे इसमें क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। इसमें होता है कि स्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर जो है वो एक ट्रीज को कट करता है फॉरेस्ट में से और उसको बर्न करके वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है वो खेती करता है और फिर उसको छोड़ के चला जाता है, फिर वापस से कहीं और जाकर वो सेम चीज़ को रिपीट करता है। द फार्मर देन मूव टू द अदर एरिया रिपीट दिस प्रोसेस, तो इसलिए इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। अब केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, अब इस ऐसे टाइप की बात की जाएगी जहाँ पे लोगों ने जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए काम किया था। इसमें से एक नाम आता है अमृता देवी का। अब अमृता देवी ने क्या किया था यहाँ पर, अब स्नोवी वुमेन अमृता देवी शो एक्सेम्पली करेज बाय हगिंग ट्री एंड डेयरिंग द किंग्स मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर द कटिंग द ट्री। यहाँ पर वो जो है एक ट्री को हग कर लिया था और किंग्स ने बोला था कि वहाँ पे जाके ट्री कट कर लो, बट हुआ क्या कि वहाँ पे जो राजा के जो भी गए हुए थे कट करने के लिए ट्रीज को, तो उन्होंने ये देखा कि अमृता देवी और वहाँ पे जो गांव में अलग लोग थे, यहाँ पे देखिए, हर थ्री डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई फॉलोवर्स हर एंड दस द लॉस देयर लिव्स नाउ इन द हिस्ट्री डू वी फाइंड ए कमिटमेंट टू द मैग्नीट्यूड ह्यूमन बींग। बट उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है ट्रीज के साथ साथ में अमृता देवी को भी कट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर ट्री को कट करना है तो पहले मुझे कट करना है, तो जो भी वहाँ पे कट करने के लिए थे उन्होंने अमृता देवी और जो इतने लोग थे उनको भी कट कर दिया और ट्रीज भी कट करके ले गए। तो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस केवल एक ट्रीज के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड जो है वो देना स्टार्ट कर दिया उनके नाम पर। अब यहाँ पर उसी को देखते हुए एक और टाइप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यू मे हैव हियर्ड ऑफ द चिपको मूवमेंट ऑफ घारीवाल हिमालयाज, इसी टाइप का चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इन 1974 लोकल वुमेन शो एनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बाय हगिंग देम, इन्होंने भी यही किया था कि जो ट्रीज थे उनको हग कर लिया था। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलाइजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980s में लाया था। इसमें क्या होता है, सो एज टू वर्क द क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द मैनेजिंग द फॉरेस्ट, ताकि वहाँ पे प्रोटेक्ट और मैनेज हो पाए फॉरेस्ट। यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। इसी के साथ ही हमारा सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।